सो गाइस अभी हम पहुंचे व्यू पॉइंट पे जिसका नाम है सनशाइन पीक व्यू पॉइंट। सो मेरे पीछे आप देख सकते हो सनशाइन पीक की व्यू यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। ये देखो गाइस इंतजाम यहाँ पे हुक्का वगैरह लाया, इनको रील्स बनाने हैं यहाँ पे। ये देखो गाइस कितने खूबसूरत ये फूल है, ये अभी छोटे छोटे है, ये ना नेचुरली खिलते हैं यहाँ पे पूरे गुलमर्ग में। Assalamualaikum guys, good morning, welcome back to our new vlog. आज है 7 मई। सो गाइज आज ना गुलमर्ग में सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। सो गाइज अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना। और गाइज अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से फॉलो कर लो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, व्लॉग को पूरा लास्ट तक देखना, काफी मजा आने वाला है, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज अभी हम आए सुबह सुबह बाहर, अभी बजे 9:30। सो ये देख सकते हैं आप, आज सुबह सुबह बहुत अच्छा वेदर है, धूप है। ये देखो कितने घोड़े हैं अभी सुबह सुबह यहाँ पे। ये वाली पार्किंग अभी खुली है, गाड़ियाँ बहुत कम है इसमें अभी। आज ना बहुत अच्छा वेदर है, ये देख सकते हो आप वेदर। हाँ जी गाइस अभी बजे है 12:30 दिन के, और आप देख सकते हो इधर पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ हैं। आज ना बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, और ये खाली आधा ट्रैफिक है, आधा उधर गंडोला की तरफ जाता है। 70-80% जो ट्रैफिक है वो गंडोला की तरफ जाता है। सो गाइस 70-80% जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट गंडोला की तरफ जाता है, और 10-20% इधर मार्केट की तरफ आता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो गुलमर्ग में कितना क्राउड होता है, कितने टूरिस्ट विजिट करते हैं एक दिन में। ये देखो कितनी टेम्पो है यहाँ पे, और उधर भी देखो गंडोला की तरफ ना इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और आज वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, अभी 15-16 डिग्री टेम्परेचर होगा इस वक्त, बहुत अच्छा वेदर है। हाँ जी गाइस अभी बजे है 4:30। सो इस वक्त हम निकले हैं घूमने के लिए। सो जल्दी हम यहाँ पे खेलेंगे इंशाल्लाह क्रिकेट, क्योंकि अभी ना आजकल धूप अच्छी होती है, क्रिकेट हम इसी जगह पे खेलते हैं, और यहाँ पे ना बहुत मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है ये। ये देखो उधर से ना बादल है, यहाँ तक धूप है, यहाँ तक धूप है, और इसके आगे आगे देखो ये देखो आफरवट की व्यू। ये जो नदी आप देख रहे हो ना, ये हमारी बाउंड्री रहती है। सो डायरेक्ट ऊपर जाएगा छक्का, और ये देखो सभी हम जा रहे हैं मंदिर की साइड। सो आज हम दिखाएंगे आपको उसी साइड का नजारा। सो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मंदिर के सामने, यहाँ पे राजेश खन्ना और मुमताज़ की एक गाने की शूटिंग हुई थी जिसका नाम था जय जय शिव शंकर। सो वो गाना यहीं पे शूट हुआ था, वो बहुत पुराना गाना है। सो वो यहीं पे शूट हुआ था इधर और मंदिर के पास। सो आज हम जाएंगे उसी साइड, दिखाएंगे आपको आज का नज़ारा। सो गाइस ये पहुंच गए हम मंदिर पे, यहाँ से इसकी एंट्री है, इसकी ना सीढ़ियाँ बहुत हैं। सो आज हम गिनेंगे, एक बार हमने गिने थे विंटर में, अब बर्फ थी ना बहुत। सो अब अच्छे से गिन सकते इस टाइम। गजरा गजरा मैडम को मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
سَتووُہ اَٹھووُہ کُنتٕرٛہ تٕرٛہ اَکتٕرٛہ دۄیہِ تٕرٛہ تیٚیہِ تٕرٛہ پانٛژھ تٕرٛہ شیٚیہِ تٕرٛہ تٕرٛہ اَرتٕرٛہ کُنتٲجی ژَتجی اَکتٲجی دۄیہِ تٲجی تیٚیہِ تٲجی ژۄیہِ تٲجی شیٚیہِ تٲجی سَتتٲجی کُنوَنٛزاہ پنٛژاہ اَکوَنٛزاہ دُوَنٛزاہ ترٛوَنٛزاہ ژُوَنٛزاہ شُوَنٛزاہ سَتوَنٛزاہ اَروَنٛزاہ کُنہٲٹھ بتاؤ کِتنی کِتنی بولنا کِتنی ہے سو گایز
59 सीढ़ियां हैं टोटल। सो ये देख सकते हैं आप अभी मंदिर की व्यू। मंदिर ना बहुत अच्छी लोकेशन पे है और ये देख सकते हैं आप किस लोकेशन पे, बहुत खूबसूरत। ये देखो अभी ना धूप भी बहुत अच्छी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं, ये सारे टूरिस्ट है बाहर से आ रहे हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं सनशाइन पीक व्यू पॉइंट पे। सो वहाँ पे दानिश भी है और एक भाई और इश्फाक भाई वहाँ पे आगे चल रहे हैं। सो अभी हम जाएंगे उसी पॉइंट पे। वहाँ पे ना आज ना वेदर बहुत ज़्यादा क्लियर है, सो व्यू बहुत अच्छी आ रही है। सो वहाँ पे हम करेंगे शूट इंस्टाग्राम के लिए। सो गाइस अगर वो रील्स आपको देखने हैं सो आप हमें जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। ये देखो सनशाइन पीक की व्यू यहाँ से ना बहुत मस्त आती है। सो अभी हम जाएंगे उस लोकेशन पे, व्यू पॉइंट है वहाँ पे सनशाइन पीक, वहाँ से बहुत क्लियर दिखाई देता है जब वेदर ठीक होता है। ये देखो गाइस कितने खूबसूरत ये फूल है, ये अभी छोटे छोटे हैं, ये ना नेचुरली खिलते हैं यहाँ पे पूरे गुलमर्ग में। ये देखो कितने सारे हैं। सो गाइस अभी हम पहुँचे व्यू पॉइंट पे जिसका नाम है सनशाइन पीक व्यू पॉइंट। सो मेरे पीछे आप देख सकते हो सनशाइन पीक की व्यू यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। सो जब भी आप गुलमर्ग आओगे सो इस व्यू पॉइंट पे आप ज़रूर आना। एक तो ये इनर साइड में है गुलमर्ग के और ये व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये पर्सनली ये मेरा फेवरेट व्यू पॉइंट है। एक तो ये इनर साइड में और ऊपर से यहाँ से सनशाइन पीक की व्यू बहुत खूबसूरत आती है। लेकिन इसके लिए क्या है कि वेदर क्लियर होना चाहिए तभी यहाँ पे फोटोज वगैरह वीडियोज बहुत सारे अच्छे आते हैं। और व्यू आप देख सकते हो क्या मस्त नज़ारे है अभी सनशाइन पीक के। आज ना वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है सो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। सो हम आए हैं यहाँ पे आज कुछ शूट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए। सो अगर वो आपको रील्स देखने हैं आप हमें जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर। सो गाइज अभी ना यहाँ पे एसी व्यू है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है कसम से। आप देखो खुद गाइज, इट्स वेरी ऑसम, इट्स रियली हेवन ऑन अर्थ। वेदर ना आज बहुत अच्छा है, आसमान क्लियर है। सो यहाँ पे व्यू बहुत खूबसूरत बहुत। ये देखो देखो ये मैदान भी खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त क्योंकि अब ना ग्रीनरी बढ़ने लगी है। सो ये और भी खूबसूरत लगती है गुलमर्ग इस टाइम। बाकी आप व्यू देखो माशाल्लाह, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये देखो व्यू पॉइंट कहाँ पे है, मेन व्यू पॉइंट है यहाँ पे है, यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे है व्यू पॉइंट। हम थोड़ा नीचे आए हैं इस तरफ मंदिर के साइड क्योंकि हम यहीं से आए। सो अभी हम जाएंगे ऊपर वहाँ पे। ये देखो गाइस इंतज़ाम यहाँ पे, हुक्का वगैरह लाया, इनको रील्स बनाने हैं यहाँ पे। बाकी ना व्यू बहुत खूबसूरत है, वो इधर से व्यू है ना बहुत खूबसूरत। ये देखो नज़ारा, इस वक्त हम जा रहे हैं इस व्यू पॉइंट से वापस। सो रील्स व्यूल्स वगैरह हमने बनाए। सो यहाँ से हमें जाना है गाड़ी में, गाड़ी वहाँ पे है। और यहाँ पे देखो आप कितने लोग हैं इस टाइम। व्यू ना बहुत खूबसूरत थी आज और वेदर बहुत अच्छा। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, सो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइज बहुत सारे वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करो। सो ये हमारी गाड़ी रही इधर। सो गाइज अभी बजे है 6। सो इस व्लॉग को हम आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और गाइज और एक बात, अगर किसी को कश्मीर ट्रिप के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए सो वो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है। सो वहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, सो आप बात कर सकते हो। कश्मीर, पूरे कश्मीर के लिए ट्रांसपोर्ट मिलेगा और अच्छे पैकेजेस भी आपको मिलेंगे। सो आप जल्दी से हमारे साथ कॉन्टेक्ट करो, बहुत ही अच्छे बजट वाले पैकेज भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। सो गाइज इस व्लॉग को हम आज यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।